हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेको विजिलेंस, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स है यूनिट वाइज एग्जाम के लिए, वो हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब फार्मेको विजिलेंस जो है ये भी एक हमारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट है, मतलब हमारे पास कितने 10-12 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें से हमें चूज करने हैं कोई भी दो सब्जेक्ट, तो उनमें से एक सब्जेक्ट हमारे पास में फार्मेको विजिलेंस रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका सिलेबस देखें बहुत ज्यादा लेंथी है, बट दूसरी तरफ क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही जनरली क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक एक टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं है एंड कुछ टॉपिक्स है जिसमें से हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। तो वही टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए क्या रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस वगैरह जो है कि भाई हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या क्या है वो हम अलग से एक बार डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो के अंदर। एंड उसके अलावा आपको 8th सेमेस्टर के अंदर किस सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियो सबसे पहले चाहिए वो चीज़ आप प्लीज सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि हम लोग उस सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोज जो है वो जल्दी से जल्दी ला सके। एंड आपने 8th सेमेस्टर के अंदर कौन से सब्जेक्ट चूज करे वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी बायोस्टैटिस्टिक्स एंड जो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी होते हैं, ये दोनों तो हमारे मतलब कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंट्स को लेने ही है एंड उसके एग्जाम भी सभी स्टूडेंट्स को देने ही है, तो फिर वो तो अलग से हमारे पास रहेंगे। एंड उन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने चैनल पे अपलोड कर दिए, तो वो चीज़ आप जाकर के चेक कर सकते हैं। पीडीएफ जो होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। जो भी नोट्स है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिलते हैं, तो आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यूनिट वाइज जो हमारे क्वेश्चंस है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आती है यूनिट फर्स्ट। ठीक है, अब यूनिट फर्स्ट के अंदर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन फार्मेको विजिलेंस का हम लोग को पढ़ना है, देन एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल स्टडी जो है वो हम लोग फर्स्ट यूनिट के अंदर करेंगे, देन कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि फार्माको विजिलेंस के अंदर यूज होती है वो हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़नी है। तो इसमें जो थर्ड टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन कभी नहीं आता। सेकंड टॉपिक जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर। एंड जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है उसके अंदर से भी कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो अब कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे इंपॉर्टेंट वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है डिफाइन फार्मेको विजिलेंस। तो अब जब हम लोग फार्मेको विजिलेंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, वो तो हमें आना ही चाहिए। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है, तो सिंपली हमें डेफिनेशन जो है फार्मेको विजिलेंस की आनी चाहिए, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली आता है। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है फार्माको विजिलेंस की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री डेवलपमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माको विजिलेंस। तो फार्माको विजिलेंस की हिस्ट्री क्या है, इसका डेवलपमेंट किस तरीके से, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इस सब के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स 10 मार्क्स के अंदर देखने को मिलता है, मतलब ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाए जरूरी नहीं है, बट अगर जो इंट्रोडक्शन है उसमें से क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि भाई फार्माको विजिलेंस की हिस्ट्री बताओ, डेवलपमेंट बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास ये आ सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो हमारे पास में एक मतलब फार्माको विजिलेंस का प्रोग्राम है इंडिया के अंदर, जिसका नाम दिया गया फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, तो इसे एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन हमारे पास, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास आता है। एंड इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है कि भाई फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है क्या, उसे अच्छे से एक्सप्लेन हमें करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन एंड क्लासीफाई ADRs, हाउ विल यू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट ADR। तो सबसे पहले तो ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती क्या, उसकी सिंपली डेफिनेशन हमें बतानी है, उसके बाद में उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का बन जाता है। उसके बाद में ADR जो है उनका डिटेक्शन किस तरीके से होता है, उनकी रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहीं पर भी हुई है, ठीक है, अब उसे रिपोर्ट कैसे करा जाएगा, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये भी 5 मार्क्स का है, तो कंप्लीट क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स इन कॉजलिटी असेसमेंट। तो कॉजलिटी असेसमेंट के जो अलग अलग मेथड्स होते हैं वो हमें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ ADR। तो ADR जो इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है, क्वेश्चन भी हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर जो रेड पेन से अंडरलाइन हो रखे हैं हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जिससे हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे हमारे पास में जो हिस्ट्री डेवलपमेंट है इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट जो रेड पेन से अंडरलाइन है क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार ही पूछे जाते हैं। तो फार्माको विजिलेंस की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वाला कंप्लीट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा क्वेश्चन आता ही है।
अब नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकेंड यूनिट, जिसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा ड्रग एंड डिजीज क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड रहेगा ड्रग डिक्शनरीज एंड कोडिंग एंड फार्माको विजिलेंस। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो जो सेकेंड यूनिट है ना, इसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा, बट इसमें से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। तो जो डिजीजेस का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। वाला क्वेश्चन जो हमारे पास जनरली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब डेली डिफाइंड डोज। तो डेली डिफाइंड डोज होता क्या, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत बार 2 मार्क्स के अंदर हमारे पास पूछा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूड्रा विजिलेंस। तो यूड्रा विजिलेंस जो, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, इसके बारे में, मतलब यूड्रा विजिलेंस के बारे में हमारे पास में 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं, 7 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। तो मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम लोग इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन एस्टेब्लिशिंग फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम। तो फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका क्या रोल रहता है, वो चीज हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर बतानी है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एंड इससे रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास आ सकता है। अब यहाँ से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, देन डेली डिफाइंड डोज की डेफिनेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता है। अब नेक्स्ट आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास में फार्माको विजिलेंस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये यूनिट हमें अच्छे से पढ़नी पड़नी है। इसके अंदर भी हमारे पास 3 टॉपिक्स है, ठीक है। पहला है वैक्सीन सेफ्टी सर्विलेंस, सेकंड है फार्माको विजिलेंस मैथड्स, एंड थर्ड है कम्युनिकेशन एंड फार्माको विजिलेंस। इसके अंदर से जो फार्माको विजिलेंस मैथड्स वाला टॉपिक है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इस यूनिट में से। सबसे पहला आता है डिफाइन वैक्सीन फार्माको विजिलेंस। तो वैक्सीन फार्माको विजिलेंस होता है क्या, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है 2 मार्क्स के अंदर कभी कभी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई फार्माको विजिलेंस मैथड्स। तो जो फार्माको विजिलेंस मैथड होता है उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, तो हम सिंपली एक प्रोचार्ट बना देंगे कि भाई क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर आ रहा है, तो हम सारे के सारे मैथड्स जो है ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में फार्माको विजिलेंस मैथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हमें बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस पैसिव एंड एक्टिव सर्विलेंस मैथड्स इन डिटेल। तो सर्विलेंस जो फार्माको विजिलेंस मैथड्स है, उसके अंदर पैसिव सर्विलेंस मैथड एंड एक्टिव सर्विलेंस मैथड होता है। तो ये दोनों मैथड को डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में 10 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन कंपेरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। तो जो कंपेरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं, ठीक है, जो कि एक टाइप के फार्माको विजिलेंस मैथड ही है, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। अब जो कंपेरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होते हैं, ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसका अलग तरीके से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहोर्ट स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहोर्ट स्टडी, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो हमें टेबल बना के जो यहाँ पर मेंशन करने हैं। ये भी हमारे पास में 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट इज कम्युनिकेशन विद रेगुलेटरी एजेंसीज। तो जो रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ में कम्युनिकेशन होता है, वो किस तरीके से होता है, उसके ऊपर भी 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। अब जो थर्ड यूनिट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में फार्माको विजिलेंस मैथड्स रहने वाले, उसके अंदर से भी पैसिव सर्विलेंस मैथड एंड एक्टिव सर्विलेंस मैथड जो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हमें आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आती है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर हमारे पास मेन 2 ही टॉपिक्स है, सेफ्टी डेटा जनरेशन, जिसका डायरेक्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, एंड दूसरा है ICH गाइडलाइंस फॉर फार्माको विजिलेंस, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड इसके अंदर जो टॉपिक दिए गए उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से जो पहला टॉपिक है, उसका तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डिस्कस वेरियस फेजेस ऑफ सेफ्टी डेटा जनरेशन इन फार्माको विजिलेंस। तो फार्माको विजिलेंस के अंदर जो अलग अलग फेजेस होते हैं सेफ्टी डेटा जनरेशन के, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर या 10 मार्क्स के अंदर आ सकता है। इसके अंदर हमें प्री क्लिनिकल फेज, क्लिनिकल फेज एंड जो पोस्ट अप्रूवल फेज है, उनको डिटेल के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल रहता है, एंड इसका क्वेश्चन बहुत बार, ऑलमोस्ट हर बार ही पूछा जाता है, तो ये हमें अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ICH गाइडलाइंस फॉर फार्माको विजिलेंस। तो फार्माको विजिलेंस के लिए जो ICH गाइडलाइंस है, ठीक है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स से 10 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। ICH गाइडलाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता ही है। नेक्स्ट इज डिस्कस गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस इन फार्माको विजिलेंस स्टडीज। तो जो फार्माको विजिलेंस स्टडीज है, उसके अंदर जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर बताना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। अब इसके अंदर से जो सेफ्टी डेटा जनरेशन के फेजेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो ICH गाइडलाइंस है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
अब लास्ट हमारे पास में आएगी फिफ्थ यूनिट, ठीक है। फिफ्थ यूनिट का सिलेबस थोड़ा सा ये है, ठीक है, इसके अंदर टॉपिक्स भी थोड़े से सीधे सीधे टॉपिक्स है, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई सब्जेक्ट के वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड करें, तो वीडियोस नोट्स अब आपको मिल जाएंगे, तो इजिली आप जो है सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर मेरे पास में टॉपिक्स चार है, ठीक है, बट क्या है कि इसका सिलेबस फिर भी कम ही है। तो पहला है फार्माकोजेनोमिक्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दूसरा है ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन स्पेशल पॉपुलेशन, तीसरा है CIOMS एंड लास्ट है CDSC एंड फार्माको विजिलेंस, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, फर्स्ट इज राइट अ नोट ऑन ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन प्रेगनेंसी। तो जो ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन है वो प्रेगनेंसी के अंदर मतलब किस तरीके से क्या इसका रहता है, तो वो चीज हम लोगों को बतानी है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डायरेक्टली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट इज डिस्कस CIOMS इन डिटेल, तो CIOMS जो है डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, तो इसका क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास आ सकता है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन शेड्यूल वाई, तो शेड्यूल वाई के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो इसका क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास आ सकता है, ठीक है। एंड लास्ट इज राइट डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स। तो जो इंडियन फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो एक टेबल फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पर डिफरेंसेस लिखेंगे, कम से कम 7 to 10 points हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो ये भी हमारे पास हर बार ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाता है। तो अब जो यूनिट फिफ्थ है ना, इसके सारे ही टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो CIOMS, ठीक है, इसके अंदर इसके वर्किंग ग्रुप्स आते हैं, फॉर्म आते हैं, दोनों का अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली CIOMS के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो इंडियन एंड ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स के बीच में डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार ही पूछा जाता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट वाइज फार्माकोविजिलेंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे एग्जाम के लिए, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग बनाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा जो PDF है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। एंड मतलब आपको कोई भी चीज चाहिए हो ना किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या वीडियोस वगैरह जो भी चीजें हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। बाकी इसके जो वीडियो लेक्चर है वो हम लोग जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे चैनल के ऊपर, एंड इसके नोट्स जो है वो हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। हमारी वेबसाइट है perfectpharmacy.in, तो वहां जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।